आपके जसप्रीत बुमराह क्या पता कल ना चले, ऐसे बोलो मत, नहीं बोल नहीं सकता, बट क्या पता उसकी जगह शिवम दुबे कल चल जाए। कि मेरे हिसाब से कि एसएसपी को खिलाना चाहिए, अगर एसएसपी 10 बॉल भी खेलता है तो 25 रन बना देगा। ये धोनी के टाइम चला रहा है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रही है उसमें कोई प्लेयर ना भी चल रहा हो तो भी लोग उसको लेके चलते हैं। इसमें साफ साफ रोहित शर्मा की कप्तानी लाजवाब रही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो विराट कोहली वन डाउन बेस्ट खेलता है, बट ओपनिंग कराना ये एक स्ट्रेटेजी है। हम ये नहीं बोले कि विराट कोहली को आप हटा ही दे, आप उनको अपनी नेचुरल पोजीशन पे लेके आए। कल का टॉप स्कोरर मे बी विराट कोहली या फिर ऑलराउंडर में कोई होगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया हिंदी के चैनल पर। और अब T20 विश्व कप 2024 का एक आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला बचा हुआ है। आप सभी को पता है दो ऐसी टीमें जो इस प्रतियोगिता में हारी नहीं है, एक इंडिया है और एक साउथ अफ्रीका। वैसे तो इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराकर घर भेजा है, उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो आज हम इस चीज़ों पर तमाम लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मैच के लिए? एक्साइटमेंट तो है, बहुत एक्साइटेड है। इंडिया ऑब्वियसली इंडिया जीती गई। आप कितना एक्साइटेड? आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर द मैच। काफी एक्साइटमेंट फील हो रहा है। तो इस बार क्या लगता है? देखिए पिछले दो मैच में कोहली ने रोहित ने बहुत सारे रन बनाए, कोहली के बल्ले से उतने रन आए नहीं है, पर द्रविड़ ने कहा कि कोहली जो है फाइनल में फोड़ने वाले हैं, क्या लगता है? वैसे फॉर्म तो उनका उतना खराब भी नहीं है, शॉट्स तो अच्छा ही मार रहा है, क्या पता होपफुली फाइनल में अच्छा स्कोर बन जाए। अच्छा, और बाकी ऐसे टीम बाकी लोग तो खेल ही रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी तक इस पूरी प्रतियोगिता में कौन लगा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन इंडियन प्लेयर आपको? ऑब्वियसली रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और शर्मा, और उसके अलावा भी आपने देखा कि टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल पे ज्यादा बात होती नहीं, पर अक्षर पटेल ने कल जिस तरह से विकेट निकाले शुरुआत में सेमीफाइनल में, तो कैसा लगा था? मतलब अक्षर पटेल एक टाइम एज बॉलिंग यूनिट तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब सारे बॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिच का भी थोड़ा हम मतलब स्लो पिच था तो इसलिए मदद ज़्यादा स्पिनर्स को भी मिल रहा था। तो ऑब्वियसली एज बॉलिंग यूनिट तो उतना मतलब टेंशन नहीं है, वही ओपनिंग थोड़ा बेहतर खेले तो और भी अच्छा स्कोर बन सकता है और भी प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे तो मिडिल ऑर्डर की भी अगर हम बात करें तो जैसे रोहित रन बना रहे हैं, फिर कोहली नहीं बनाते हैं, ऋषभ पंत के मैच में कुछ रन आते हैं, शिवम दुबे पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि शिवम दुबे जो है बहुत हाइप भी आएंगे, रन बनाएंगे, तो अभी तो उनके बल्ले से रन नहीं निकले। हाँ लिंक मतलब उस मतलब क्या पता कोहली कल जैसे अच्छे स्कोर मारे तो दुबे का भी दिन हो सकता है, क्या पता। और एज ए होल अच्छा परफॉर्म कर रहे यूनिट तो इफ़ यू मेक चेंजेस उसका दबाव तो रहेगा ही, नए प्लेयर को लाके खिलाना फिर भी मुश्किल ही है, वो फॉर्म भी मतलब बेकार हो सकता है। तो इसलिए एज अ टीम अच्छा खेल रहा है तो मेरे हिसाब से वही टीम खिलानी चाहिए, वही टीम में कोई बदलाव नहीं। तो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो भी इस टूर्नामेंट में अभी तक हारे नहीं है, वो भी जीत कर पहुँचे। उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था अपने ग्रुप जब सुपर एट में खेले थे, और वेस्ट इंडीज़ को भी हराया, तो वो जीत कर यहाँ पर आए। तो टक्कर का मुकाबला होगा या फिर क्या लगता है, साउथ अफ्रीका फेवरेबल या इंडिया? टक्कर का ही मुकाबला होगा, ऑब्वियसली उनका भी बॉलिंग बहुत अच्छा है और अच्छे बैट्समैन्स भी है, क्लासन है, माकरम है, अच्छे वही मैन टू मैन मैच किया तो दोनों मतलब अच्छे टीम ही है, वही मतलब उस दिन कौन अच्छा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर प्रेजर, मतलब कौन अच्छा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। बिल्कुल। आप एक्साइटेड हैं फाइनल को लेकर? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कौन कल का टॉप स्कोरर रहेगा, प्रेडिक्ट करेंगे आप इंडिया का? कल का टॉप स्कोरर मे बी विराट कोहली या फिर ऑलराउंडर में कोई होगा। ऑलराउंडर मतलब या तो पांड्या, दुबे या जडेजा या फिर विराट कोहली। तो रोहित और सूर्या? सूर्या तो चलेगा लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि कल अनप्रेडिक्ट फाइनल मैच है और फाइनल में वो भी साउथ अफ्रीका से, वो भी पहली बार फाइनल में पहुंची है और इंडिया भी इतने सालों बाद, और इसमें साफ साफ रोहित शर्मा की कप्तानी लाजवाब रही है। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कॉमबैक किया है, जब लास्ट टाइम उनको हार्ट ब्रेक हुआ था ये इट्स जस्ट लाइक अ कॉमबैक। तो रोहित शर्मा तो रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा के बल्ले से रन तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इस बार क्या बदला है टीम इंडिया में, इंटेंट बदला है, क्या बदला है? रोहित शर्मा का सिंपल फॉर्मूला है, ऑलराउंडर्स लेके आए हैं ढेर सारे, आप देख लो शिवम दुबे को लोग कह रहे हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं चल रहा है, वो कब बॉलिंग से या कब बैटिंग से दिखा देगा, क्योंकि लास्ट में जब आपकी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है तो मिडिल ऑर्डर को आपको आना पड़ता है, या कुछ 10-20 रन जो मार्जिन रह जाता है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद बॉलिंग में भी आपको एक्स्ट्रा बॉलर्स मिल रहे हैं, कभी भी आपको लगता है कि आपका मेन बॉलर नहीं चल रहा है तो दूसरा बॉलर आपके पास बैकअप में है, तो बैकअप में आपके पास कम से कम 4-5 बॉलर आराम से हैं। तो कोहली के ओपनिंग कराने से
टीम को फायदा है कि नुकसान है? बेसिकली अगर देखा जाए तो विराट कोहली वन डाउन बेस्ट खेलता है, बट ओपनिंग कराना ये एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा। क्योंकि वन डाउन रोहित शर्मा, आप देख सकते हो ऋषभ पंत आ रहा है, तो यार लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि कोहली से ओपनिंग कराना बेटर, बहुत सही फैसला है रोहित? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उसके स्थान पर SSV कराएं, जो उनका है वो वन डाउन ही कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ इस बार सोचे होंगे कि इन्होंने IPL में अच्छा किया ओपनिंग पे, तो इनको यहाँ इंटरनेशनल पे टेस्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो वन सेकंड डाउन पे ही बेस्ट थे। अच्छा, तो वैसे अगर आप कोहली को बोलेंगे तीन पर आए, जायसवाल ओपनिंग करे, तो फिर टीम में से निकालेंगे किसको? शिवम दुबे। दुबे को निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये उसका काम सिर्फ इतना है कि बॉलिंग और हार्ड हिटिंग। अगर वो 5 बॉल खेलता है 20 रन भी बनाता है, उसका काम हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा वहाँ पे US में या वेस्ट इंडीज में स्पिन काम कर रहा है, तो वहाँ पे उनका फास्ट बॉलिंग का कोई मतलब तो रहा नहीं, तो वो वैसे भी उतना सही खेल रहे नहीं है। तो उनके स्थान पे जो है SSV जायसवाल को खिलाना चाहिए ओपनिंग का। फाइनल में बदलाव करवाना चाहे? फाइनल तो बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा बदलाव कराना फाइनल में। लेकिन मेरे हिसाब से कि SSV को खिलाना चाहिए, अगर SSV 10 बॉल भी खेलता है तो 25 रन बना देगा। और सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन चल के आ रही है उससे आप छेड़छाड़ करोगे फाइनल में आके, तो कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अभी तक एक भी मैच नहीं खेला। अगर वो खेलता है तो डेफिनेटली अच्छा तो कर सकता है, बट हाई चांस है कि सामने वाले को एडवांटेज मिलेगा अपोनेंट को। अच्छा। क्योंकि वहाँ से आपके स्टार्टिंग ओवर्स जो मार्को जेंसन करता है, वो उसकी बॉल में भी एक दो स्विंग कर गई और विकेट ले जाएगा। आप तो विकेट तो वैसे भी जा ही रहा ना विराट कोहली का, अभी तक जितना भी पूरे टूर्नामेंट में बस उनका हाईएस्ट तो है 24 है शायद, में भी 37 ओके 24 37, बाकी 1-0 1-0 यही है, पूरा एक बाइनरी डिजिट में खेल रहे हैं वो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन अभी तक ठीक है। हाँ, एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर सामने वाला सब सोचता है कि हाँ भाई बड़ा प्लेयर, इसके लिए हमको थोड़ा सा रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन SSV जायसवाल क्या है कि पूरा टूर्नामेंट कोई देखा नहीं उसको खेलते हुए, तो हो सकता है अगर वो आए, ठीक है वो आए तो हो सकता है। वैसे विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना, ये धोनी की टाइम चला आ रहा है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रही हो उसमें कोई प्लेयर ना भी चल रहा हो तो भी लोग उसको लेके चलते हैं, चाहे आप IPL की बात कर लें, चाहे उन्होंने जितने भी टूर्नामेंट जीते हैं उसकी बात कर ले। तो लेकिन हाँ, विराट कोहली का अभी तक का कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट में निग्लेजिबल ही रहा एक तरीके से। तो राहुल द्रविड़ ने तो कहा कि अभी विराट कोहली को वो एक इंस्टिंक्ट अंदर से फील आ रही है कि सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल जो है वो कोहली का दिन रहने वाला है। पूरे टूर्नामेंट में तो यही हुआ, विराट कोहली ने खुद से बोला कि मुझे ओपनिंग जाना है, ठीक है आपकी जो पोजीशन है, ठीक है आप थर्ड नंबर पे आते हो, ठीक है वन डाउन आते हो, आपको वहाँ खेलना चाहिए था, आप वहाँ पे सबसे अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए हो, अच्छा भी किया आपने, लेकिन आप खुद से बोल के जा रहे हो और वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप टीम को कहीं ना कहीं हल्का सा ही, क्योंकि रोहित शर्मा जिस दिन ना चले, आप सपोज करो कि जिस दिन रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों आउट हो जाते हैं, अभी क्या करो है कि एक एंड पर रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं और मेन टाइम पर रन बनाए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे आप इंग्लैंड के खिलाफ भी देखिए, तो एक अलग इंटेंट से, ठीक है जैसा उनका 2023 वर्ल्ड कप में था, वैसे ही इस वाले वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी उनका वही इंटेंट है। अच्छा। उसी तरीके से रन बना रहे हैं। तो आप सहमत हैं, कह रहे हैं कि नहीं बदलाव, मतलब कोहली को बदलना पड़ेगा? देखिए, लास्ट टाइम जो आप कॉम्बिनेशन लेके गए थे, ठीक है आप उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज चेंज करोगे नहीं तो आप कुछ नया करोगे नहीं। तो मेरा आप तीनों से एक सवाल है, वो ये है कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि कोई सहमत है कोहली की ओपनिंग से, कोई नहीं है, पर एक चीज़ आप बताइए कि कोहली के ओपनिंग करने के बाद टीम इंडिया में एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खेल सकता है, तो ये सही है कि नहीं? देखिए अभी भी हमारे पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है, ठीक है उसमें बस नीचे के दो बॉलर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे अक्षर पटेल की बात कर ले, चाहे रविंद्र जडेजा का, हाँ हर्षदीप बुमराह को छोड़ दिया जाए, ठीक है तो बाकी सब बैटिंग कर ले रहे हैं। ठीक, उनके और बल्ले से 10-15 रन भी आ जा रहे हैं तो क्रूशियल साबित हो रहे, क्योंकि बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि विराट कोहली को आप हटा ही दें, आप उनको अपनी नेचुरल पोजीशन पे लेके आए। पिछले साल SSV जायसवाल ने वेस्ट इंडीज में आके 171 रन बनाया था टेस्ट में, तो वो मतलब इस कठिन पिच पे उसने बैटिंग किया है, जबकि उसको मतलब SSV टेस्ट का थोड़ा सा अलग होता है पिच, जो फील्डर्स होते हैं ज्यादा अंदर होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनल में इतना बड़ा डिसीजन, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर ये ऐसा करते हैं, क्योंकि वो क्या नाम है, दुबे जो है वो स्पिन खेल लेता है, लेकिन अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब उतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और वो रन बनाया हुआ है ऑलरेडी रन बनाया। सोशल मीडिया पर तो अब ये भी चल रहा है कि भाई रिंकू सिंह को टीम में इंक्लूड कर लो अगर दुबे से फिनिशिंग ही करानी है, पांड्या को कल ऊपर भेज दिया गया आपको पता होगा, तो
रिंकू सिंह को बॉलिंग नहीं करता ना, यहाँ पे रोहित शर्मा का सिंपल प्लान है। पर दुबे से एक ही मैच में मुझे याद आता है कि बॉलिंग कराई गई है, शिवम दुबे से भी बॉलिंग ऑप्शन को लेकर नहीं चल रहे थे वो, ठीक है उनके पास बॉलिंग सफिशियंट है हमारे पास, ठीक है अच्छे बॉलर है, और आपको एकाक ओवर निकालने तो कोई भी निकाल देगा, इवन रोहित शर्मा भी एकाक ओवर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है फाइनल मुकाबला जो होता है वो प्रेशर वाला होता है, तो वहाँ पे आपके क्या पता है जो मेन बॉलर है वो कभी नहीं चलते हैं, आपके जसप्रीत बुमराह क्या पता कल ना चले, ऐसे बोलो मत, नहीं बोल नहीं सकता, बट क्या पता उसकी जगह शिवम दुबे कल चल जाए। हाँ हो सकता है कि कल रन बना दें, पर आप सबका ये कहना है कि विराट कोहली जो है या तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर खेलें तीन पर, क्यों? अच्छा विराट कोहली नंबर वन ओपनिंग कर रहा है, बेस्ट है क्योंकि वन डाउन ऋषभ पंत खेल रहा है, तो ये दोनों इसकी अगर आप उसको हटाते हो वन डाउन लेके आते हो तो ऋषभ पंत कहाँ पे आएगा फिर, क्योंकि सूर्य आपका नंबर फोर पे खेलता है, तो पंत भी तो ओपनिंग कर सकता है ना वैसे, अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाए पंत ओपनिंग भी कर सकते हैं और पंत फिनिश भी कर सकता है, ठीक है उनके पास दोनों हाई कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल है कि वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, और ओपनिंग नहीं करा रहे हैं तो आप उनको पांचवें नंबर पे भेज रहे हैं तो पांचवें नंबर पे बैटिंग वो कर सकता है बंदा। तो आप सहमत नहीं है? नहीं अभी जो कॉम्बिनेशन आ रही है उसी के साथ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन में तो किसी ने नहीं कहा कि बदलाव करे एंड मोमेंट पे, पर एक एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल मेरा ये है कि भाई इस विश्व कप के बाद रोहित और कोहली जो हैं वो शायद T20 के फ्रेम से बाहर हो जाएंगे, जैसा इसके बाद जितने मैचेस होने हैं T20 की अगर हम खासकर बात करें तो रोहित और कोहली जो है वो इस फ्रेम से बाहर होते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि अब कौन नया T20 का कप्तान होगा? डेफिनेटली अगर T20 का कप्तान देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, विराट कोहली के जाने के बाद आपका सूर्य कुमार यादव जो कि मे भी बन सकते हैं, हार्दिक पांड्या, और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं अभी टीम के पास, क्योंकि अगर नए प्लेयर्स आएंगे तो एक अभी आप ये मैच जीत तो उसके बाद फिर नेक्स्ट, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली में भी अगला उनका टारगेट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आपने देखा कि भाई T20 विश्व कप 2024 को लेके कई राय हैं कि ओपनिंग कोहली को नहीं कराएं, कोई कह रहा कि नहीं कंटिन्यू कराना चाहिए, यशस्वी जायसवाल को भी इंक्लूड करने की बातें चल रही, तो तमाम चीज़ें जो हैं तमाम फैंस का आपने सुना, पर सबका एक कहना है कि टीम इंडिया जो है विश्व कप जीत कर आएगी, टीम इंडिया फेवरेट है, तो कब जो है वो भारत वापस आएगा, 2007 के बाद नहीं आया है, 10 साल बाद टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार ट्रॉफी लेकर आए। बारबाडोस में 29 जून को भारत के समय के हिसाब से रात के 8 बजे फाइनल खेला जाएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो मिस मत करिएगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।